नमस्कार। त्योहारों की इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भाद्रपद महीने के त्योहारों की, क्योंकि भाद्रपद महीने में सर्वाधिक त्योहार आते हैं। तो भाद्रपद महीने में सर्वप्रथम अपन बात करेंगे कृष्ण पक्ष के त्योहारों की। कृष्ण पक्ष में सबसे पहला त्योहार आएगा तीज, बड़ी तीज। यह आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आएगी बड़ी तीज। बड़ी इसी को कहते हैं बूढ़ी, इसी को कहते हैं कजली और इसी को कहते हैं सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज ध्यान रखना, जो छोटी तीज आएगी वो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में आएगी और जो बड़ी तीज है वो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आएगी। इस दिन का जो इसका मेला है, मेला प्रसिद्ध है बूंदी का। छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की और बड़ी तीज का मेला प्रसिद्ध है राजस्थान में बूंदी का। मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। इसके बाद में कृष्ण पक्ष में आ जाओ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। कृष्ण षष्ठी और एक आता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी अष्टमी। कृष्ण भगवान काले थे, वो काले पक्ष में जन्म लेंगे, लेकिन बलराम उनसे बड़े थे। बलराम कृष्ण भगवान से बड़े थे इसलिए बलराम का जन्म पहले होगा, कृष्ण भगवान का जन्म बाद में होगा। तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आता है हल छठ। बलराम हल रखा करते थे इसलिए इस त्योहार को हल छठ के रूप में मनाया जाता है। बलराम जन्म, इस दिन बलराम का जन्म हुआ था और दो दिन बाद अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। अब इसके बाद आती है नवमी। राजस्थान में नागों के या सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है नवमी। नाग होते हैं काले, तो गोगा जी भी कब आएंगे काले पक्ष में, इस दिन आएगी गोगा नवमी। गोगा नवमी, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी। इसके बाद सीधे आ जाओ अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या इस दिन मनाया जाता है त्योहार सतिया अमावस्या। ध्यान रखने की चीज ये है, बड़ी तीज कृष्ण पक्ष में है, छोटी तीज श्रावण में आएगी शुक्ल पक्ष में है। ये भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब देखते हैं हम भाद्र में शुक्ल। अब हम बात करते हैं भाद्र में शुक्ल पक्ष की। भाद्र में शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष में सबसे पहला जो त्योहार आएगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और इस दिन त्योहार मनाया जाता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज या दूज, बाबा रामदेव जी से संबंधित है बाबेरी बीज। बीज गुजराती शब्द जिसका राजस्थानी में हिंदी में अर्थ होता है दूज। अगला त्योहार जो आता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और इस दिन मनाया जाता है गणेश चतुर्थी और इसी दिन होती है मूर्ति स्थापना। मूर्ति स्थापना, जो गणेश महोत्सव मनाया जाता है 10 दिन का, गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति स्थापित होगी और अनंत चतुर्दशी के दिन मूर्ति का विसर्जन होगा। 10 दिन का ये त्योहार मनाया जाता है। अगला त्योहार आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी और ये मनाया जाता है ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी के नाम से। अब कृष्ण भगवान काले थे, काले पक्ष में आ गए। राधा जी गोरी थी, गोरे पक्ष में आएंगे। यह आ गया भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और इस दिन मनाया जाता है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी। इसके बाद आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन मनाया जाता है तेजादशमी। बाबा रामदेव जयंती, बाबा रामदेव जयंती। बाबा रामदेव पतंजलि वाले नहीं है, ये रामदेवरा वाले रुमिचा वाले बाबा रामदेव हैं।
भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी बाबा रामदेव जयंती, इसी के साथ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला मेला लगता है खेजड़ी में। मेला खेजड़ी वृक्ष मेला है, ये ध्यान रखना, वृक्ष मेला इसी दिन होती है खेजड़ी वृक्ष की पूजा, खेजड़ी की पूजा कब होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके जस्ट अगले दिन आता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी इसको बोलते हैं जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी या कह दो देव झूलनी, देव झूलनी ग्यारस। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ठाकुर जी से, मुख्यतः है ठाकुर जी से संबंधित। इस दिन जो ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है, यानी मंदिर से ठाकुर जी को पालकी में बिठा के ले जाया जाता है और तालाब में नहला के वापस लाया जाता है, इस दिन जो ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है उसको बोलते हैं रेवाड़ी, यानी सवारी को बोलते हैं रेवाड़ी या राम रेवाड़ी, रेवाड़ी या राम रेवाड़ी। इसके बाद जो त्योहार आता है अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और इसको बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। इस दिन गणेश मूर्ति विसर्जन होता है, मूर्ति विसर्जन यानी मूर्ति की स्थापना कब हुई थी? गणेश चतुर्थी को, और विसर्जन कब हुआ? अनंत चतुर्दशी को, यानी 10 दिन का गणेश महोत्सव हो गया। उसके बाद भादवे का लास्ट दिन आता है भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा और इस दिन राजस्थान में श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, श्राद्ध प्रारंभ। श्राद्ध कितने दिनों के होते हैं? 16 दिनों के। भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होंगे और आश्विन अमावस्या को समाप्त होंगे। 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, जिस भी तिथि को व्यक्ति की मृत्यु होती है इन 16 दिनों में से उस तिथि को उसका श्राद्ध निकाला जाता है। कहीं भी पूरे 12 महीने में किसी भी पूर्णिमा को यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा को निकाला जाएगा। किसी भी पक्ष में अगर उसका उसकी मृत्यु होती है किसी भी तिथि को, तो उसका आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में उस तिथि को उसका श्राद्ध निकाला जाएगा। अगला महीना आता है, अगला जो महीना है वो है आश्विन। आश्विन महीने में सबसे पहले आती है आश्विन अमावस्या और इस दिन है श्राद्ध समाप्त। श्राद्ध प्रारंभ कब हुए? भाद्रपद पूर्णिमा को, और समाप्त कब हुए? आश्विन अमावस्या को। श्राद्ध समाप्त हो गए, उसके जस्ट अगले दिन आ जाओ शुक्ल पक्ष में आश्विन शुक्ल एकम और इस दिन प्रारंभ होते हैं नवरात्र। ये जो नवरात्र हैं ये शारदीय नवरात्र हैं, जो चैत्र में आए थे वो आए थे बसंतीय नवरात्र, छोटे नवरात्र ये आए हैं शारदीय नवरात्र, बड़े नवरात्र। इसी में अगला त्योहार आता है आश्विन शुक्ल अष्टमी, अष्टमी इस दिन आती है दुर्गा अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी दुर्गा अष्टमी, आश्विन शुक्ल नवमी इसको बोलते हैं महानवमी, आश्विन शुक्ल नवमी इसको क्या बोलते हैं? महानवमी। आश्विन शुक्ल दशमी और इस दिन मनाया जाता है विजया दशमी, विजया दशमी या कह दो दशहरा, दशहरा। राजस्थान में दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। आश्विन महीने का अंतिम दिन है आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा इस दिन मनाई जाती है रास पूर्णिमा, रास
पूर्णिमा या कह दो शरद पूर्णिमा। मुख्य रूप से हम शरद पूर्णिमा बोलते हैं, उसी को रास पूर्णिमा भी बोला जाता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ इस दिन प्रकट होता है, यानी जो उगता है सर्वाधिक रोशनी कब देगा वो आश्विन पूर्णिमा को। वैसे तो हर माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखता है, लेकिन सर्वाधिक रोशनी वाली रात शरद पूर्णिमा। इस दिन भारत के मंदिरों में खीर बनाई जाती है, उसको मंदिर के छत पे रात भर रखा जाता है, ढक के एक जाली लगा के उसको रखा जाता है और सुबह उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही लाभदायक खीर है। इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत बरसता है रात को और वो अमृत उस खीर में आ जाता है। तो ये हो गए अपने आश्विन के त्योहार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।